नमस्कार, स्वागत है आपका आपका विधायक में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान, आपका विधायक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं कसुप्टी के कांग्रेस विधायक अनुदित सिंह। और आपको यह भी बता दें कि अनुदित सिंह हिमाचल प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरे में से एक हैं। वे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, शिमला जिला परिषद के सदस्य और दो बार के कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं अनुदित सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय ज्योति को 9397 वोटों से हराया था। साल 2012 के चुनाव में भी अनुदित सिंह के सीट से विधायक को चुने गए थे। अब ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर क्या उनकी तैयारी है, एक विधायक के तौर पर कितना कमर वो कस चुके हैं, ऐसे तमाम कई सवालों पर उनसे खास बातचीत आज होगी। और इस वक्त जुड़े हमारे साथ कसुप्टी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक अनुदित सिंह जी। अनुदित सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार अनुदित सिंह जी, आज आपके विधानसभा के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई बार सवाल भी खड़े होते हैं कि बहुत से विकास कार्य ऐसे हैं जो अटके पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी जुबानी जानना चाहूंगा, आप बताइए जनता को कि 5 साल का आपका क्या कुछ अब तक का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि अगर अगली बार आप जीत कर आते हैं तो उसको लेकर आपका क्या कुछ आगे रोड मैप रहेगा। सबसे पहले अब तक के आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं, थोड़ा वो आप गिना दीजिए सर। देखिए, एज अ विधायक मेरा करीबन 8 साल का अभी कार्यकाल जो है पूरा होने जा रहा है। सेकंड टर्म में विधायक हूँ और करीबन 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा इन्हीं 10 सालों में हमने सबसे बड़ा जो IGMC का स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो अपने क्षेत्र में लेके आए हैं, हेलीपोर्ट हम लेके आए। कोई हमारी ऐसी सड़क, करीबन हमारी कोई 26 सड़कें ऐसी थी जो बनी ही नहीं थी, बना के आज कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो PWD की, कोई ऐसी रोड नहीं है जो मेटल नहीं है जी, या उस पे काम ना चल रहा है। हमने धारा जो है मुख्य सड़क से जोड़ने का हमने काम किया है, पानी जो है हर गांव में लाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि लोगों की मूलभूत सुविधा पानी, बिजली और सड़क, ये पूरी होती है तो लोग संतुष्ट, और इसमें हम बिल्कुल कामयाब हुए हैं अपने मिशन में। और लोगों के इसके अलावा जो लोग, क्योंकि हमारे आज के समय में करीबन 36 ग्राम पंचायत प्रति और 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स प्रति, और इस हर गांव की, हर पंचायत की अपने अलग अलग समस्या रहती है, और उन्हीं को जो है जो हम लोगों के अनुसार जो है। अनिरुद्ध सिंह जी, आपको लगता है आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना, जिस स्पीड से, जिस गति से विकास काम आपके विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए थे उस गति से हुए हैं इन 5 सालों में? जी बिल्कुल, कुछ हमारे काम जो है पूरी गति से हुई है। एक ही साल में मैं बताना चाहूंगा, आप रिकॉर्ड ले सकते हैं, एक ही जो हमारा सेकेंड ईयर एज अ विधायक था, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में रहा है जी, तो शुरू के 2 साल थे उन्हीं में हमारी 8 NABARD की स्कीम जो है हम लोगों ने पास करवाई थी, जिसमें 5 जो सड़कें थी और 3 पानी की थी। और पिछले साल, क्योंकि 2.5 साल तो हमारा कोई काम पूरे देश में ही नहीं हो पाया है कोरोना के कारण, पिछले साल में हमारी 6 जो है पानी की स्कीम जो है हमारी सैंक्शन जो है हुई और उस पर कार्य जो है, और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, इस काम से कि सड़क है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है। पिछले टर्म में हमने, मैं बताना चाहूंगा, 5 सबस्टेशन भी लगाए थे जो कि अब पूरे हो चुके हैं, और करीबन 250 ट्रांसफॉर्मर्स पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए हैं। ये विकास जो है वो एक निरंतर प्रोसेस है, आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो हमारा क्षेत्र है सेमी अर्बन और सेमी रूरल क्षेत्र है जी, तो समय के अनुसार जो है वो जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे हम जी। लेकिन अनुदित सिंह जी, आप सेटिस्फाई हैं अपने काम को लेकर, आपने वो काम गिना भी दिए हैं, लेकिन आम जनता सेटिस्फाई नहीं है, वो लगातार सवाल उठाती है, सड़कों का रोना, वहां के लोग रोते हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, यानी कि अस्पताल में परेशान हो जाते हैं मरीज जो इलाज करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन किस तरीके से आप ये देखते हैं कि अब 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, 2 बार में यानी कि 5 और 5 10 10 साल तक बहुत कुछ विकास हो जाता है, पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आपका विधानसभा क्षेत्र, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में भी सबसे फिसड्डी है। हमारे क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में कुफरी हमारे क्षेत्र में पड़ता है, नादेरा हमारे पड़ता है, आप बताइए, करीबन 5 करोड़ रुपए जो है कुफरी में ऑलरेडी हमने ऑलरेडी जो है टूरिज्म के द्वारा
लगाए गए हैं। नालदेहरा में भी स्मार्ट स्मार्ट सिटी के तहत जो है काफी कार्य हुए हैं, मैं समझता हूँ। और जहां तक सड़कों की आपने बात करी, सड़कें ठीक नहीं है, आप मेरे को एक सड़क गिना दीजिए। जी, लेकिन अरुण सिंह जी, तो नहीं चलेगा। वहां की जो जनता है उसका सीधा यही कहना है कि सड़कों के हालात बेहद खराब हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं आप का मेरे भी को सड़क वहां तो पर। गिनाइए, जी आप मेरे को सड़क गिनाइए ना, कौन सी सड़क खराब है। पीडब्ल्यूडी की होनी चाहिए। मैं बार बोल देखिए, जी जी समस्या हमारी है, करीब मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या है। समस्या ये है कि जो पीडब्ल्यूडी की मैंने आपको स्पेसिफाई किया है, जो पीडब्ल्यूडी के अधीन रोड्स हैं, एक भी सड़क ऐसी नहीं जो अभी कच्ची हो या ठीक है, उसमें गड्ढे हो, एक भी सड़क नहीं। आप मेरे को गिनाइए, ठीक समस्या है कहाँ है। समस्या भी समस्या पे आता हूँ। जी, ग्राम पंचायत में जो पंचायत द्वारा सड़क बनाई गई है, 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर पर ग्राम पंचायत सड़क है। कुछ जो जिन्होंने गिफ्ट डीड ऑलरेडी दे दी है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आ चुकी है। जिन्होंने जो गिफ्ट डीड नहीं दी है, जो लेकिन पंचायत द्वारा वो निर्माण कराया गया या हमारे फंड द्वारा, एमएलए के फंड द्वारा उसको निर्माण करवाया गया है, उसकी मेंटेनेंस का जरूर इश्यू रहता है। क्योंकि और हम लोग बार बार लोगों को ये बोल रहे हैं कि अपने गिफ्ट डीड जो है आप लोग दीजिए, ताकि सरकार के अधीन हो सके और उसके मेंटेनेंस जो है निरंतर हो सके। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या जरूर है, पर उसमें भागीदारी देखिए सरकार की, प्रतिनिधि की और जनता की, बराबर रहेगी तो विकास जो है बड़ी गति से चलता। जी, लेकिन अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की हम बात करें, उसको लेकर भी समय समय पर सवाल कई बार खड़े हुए हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से जिस तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र को और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि दो बार के विधायक आप रहे हैं, उस स्थिति में विकास की गति में बहुत पीछे है। हमारे कसुम्पटी क्षेत्र के लोग जो है, ये बिल्कुल सिटी के बिल्कुल साथ इर्द गिर्द, मैंने बताया 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड है। ज्यादातर लोग तो आईजीएमसी जो मेन हमारा हॉस्पिटल है उसमें आते हैं। चमियाना में जो आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है, चमियाना चुटाला में अभी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा बन रहा है ऑलरेडी, उसका मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री अभी जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं। वो पिछली सरकार के समय ही करीबन 260 बीघा अधिग्रहण करके दिया गया था। और दो हमारे सीएचसी पड़ते हैं, एक जुमगा पड़ता है, एक हमारा मुशोबरा। बताना चाहूंगा मुशोबरा, मुशोबरा जो है करीबन 6 किलोमीटर जो है, 6-7 की 7 किलोमीटर शिमला से पड़ता है साथ। वहां पे कोई डॉक्टर की कमी नहीं है, कोई वहां पे किसी भी मतलब इलाज की कमी नहीं, कोई डॉक्टर्स पूरे हैं, पास पड़ रहा है। जुमगा हॉस्पिटल में जरूर मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी बहुत कमी है, क्योंकि जब डॉक्टर्स वहां जाते हैं अपने ट्रांसफर जो खुद ही को करा लेते हैं। जी करीबन जो है 5 डॉक्टर्स के ट्रांसफर वहां पे रिक्वेस्ट करके भेजे हैं, पर समय समय पे वो अपने आप ही ट्रांसफर जो है वो शिमला करा लेते हैं। झुमका में जरूर हमारे को थोड़ी समस्या आती है, पर मशोबरा में आईजीएमसी में मैं नहीं समझता हूँ। जी ठीक है, अब कसुपटी अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, पर्यटन के लिहाज से काफी स्ट्रांग आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है, लेकिन सवाल यही उठते हैं कि पर्यटक यहां पर क्यों आए जब सड़कें खराब है, पार्किंग की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और ना सिर्फ सवाल खड़े होते हैं, हालांकि तस्वीरें भी सामने आती हैं कि पार्किंग की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती हैं, सड़कें इतनी दुरुस्त नहीं है, आए दिन हादसे भी होते हैं। जहां तक कुफरी की आप, कुफरी जी जो पर्यटन क्षेत्र है आप वहां पे बात कर रहे हैं, सड़क वहां की जो है मेरे ख्याल से चंडीगढ़ हाईवे जो है, जी शिमला चंडीगढ़ हाईवे वो खराब है, पर शिमला से लेकर कुफरी तक या फागू तक, आप ठियोग तक या नारकंडा रामपुर या रोलू तक आप बोल दीजिए, सड़क की हालत बहुत अच्छी है। आपको किसी ने गलत फीडबैक दिया चौहान साहब, तो सड़क की सड़कों की आप बात कर रहे हैं, पर चौड़ाई कम होने के कारण, कि वो सड़कें बनी थी महाराजा पटियाला के टाइम की सड़कें बनी है, स्टेट टाइम की, समय अनुसार उसको चौड़ा किया गया है। आज आज वाइडनिंग का काम उसमें चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है कुफरी का काम। पर फिर भी जी जब टूरिस्ट सीजन सीजन आता है, करीबन 5 से 8 हजार व्हीकल्स पर डे जो है वहां पे जाते हैं, इस वजह से जो ट्रैफिक जैम होता है। जी रही पार्किंग की बात, कुफरी में जो है तीन पार्किंग जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट की बनी हुई है, एक प्राइवेट बनी हुई है, पर उसके बावजूद जो है क्या आप समझ सकते हैं कि किसी मेट्रोपोलिटन सिटी में भी जब 5 हजार गाड़ी 6 हजार गाड़ी कुछ समय के लिए बीच में जाएगी, पूरा दिन के लिए नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अगर जाएगी तो जी क्या जी प्रॉब्लम आएगी, आप समझते हैं। तो पार्किंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अतिरिक्त पार्किंग जी के ऊपर काम कर रहे हैं।
बिल्कुल अरुण सिंह जी, लेकिन जिस तरह की समस्या आप पूरी की पूरी रख रहे हैं सामने, इन समस्या को आप आगे रखेंगे? क्योंकि अगर भारी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा, आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अवश्य, जो देखिए कमियां तो कोई भी विधानसभा या हल्की की कमियां जो है समय अनुसार है, एक 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 कमी को हम पूरी करेंगे दूसरी उतने में उत्पन्न हो जाती है, वो दैट इज अ प्रोसेस, उसके ऊपर समय समय पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कुफरी में भी जो है जो अतिरिक्त पार्किंग बनाने वाली बात है, क्योंकि उसमें कुछ कई प्राइवेट लैंड्स भी हैं, वो अधिग्रहण कोई हमारे पास कोई उसमें अधिग्रहण का फॉर्मूला नहीं है कि उसको हम फायर कर सके, इस कानून के तहत फायर कर सके, वो नहीं, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कोई। और जो साथ में गवर्नमेंट लैंड है वो रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ का फॉरेस्ट, तो सड़क बनाने की परमिशन भी नहीं मिलती जी, उसके ऊपर वी आर लुकिंग का थोड़े से इधर पार्किंग हम लोग कहीं क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर लोगों लोगों से बात चली है और सरकार से जी। लेकिन आप दो बार के विधायक रह चुके हैं, आपने कितनी बार अपनी बातें आगे रखी है और कहां पर ये रुकावट आ रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस पर बातचीत अभी भी चल रही है, क्योंकि आपका 5 साल का कार्यकाल जो है ऑलमोस्ट ये भी अब खत्म होने वाला है, आगे चुनाव है, अब 2 साल जो अब 2 बार आप विधायक रह चुके हैं उसमें भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, कहां पर रुकावट रही है? फॉरेस्ट क्लियरेंसेस में काफी समस्या जुटनी पड़ती है, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस जो है वो आज आज के समय में लगभग जो है बहुत मुश्किल हो गई है, कि उसमें एक सीए साइट की रिक्वायरमेंट रहती है, कंपलसरी अफोरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, थोड़ी गवर्नमेंट की साइड से हमारे को जरूर जो है क्लियरेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम है जी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि आप अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, या फिर वहीं से लेट लतीफी हो रही है, या फिर आपको सुना नहीं जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनी जा रही है या हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं, बात से कानून जो है वो कानून की जो कानून जो बना है वो थोड़ा आड़े आता था। आप सब तो वाइल्ड लाइफ में जो जहाँ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट होता है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और वहाँ कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ के अंदर आप जो है कोई सड़क निकाल सके या उसको उसमें अधिग्रहण करके उसमें पार्किंग बना सके, वो थोड़ी समस्या हमारे को में आ रही है, बाकी हमारे कहीं किन्हीं सड़कों में जी किसी और क्षेत्र में दिक्कत। ठीक है अरुण सिंह जी, अभी ठियोग में आग की घटना भी सामने आई थी और सवाल यही उस वक्त भी खड़े हुए थे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लेट पहुंची वहां पर, अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर यहीं पर ही अग्निशमन केंद्र बन जाएगा तो फिर इस समस्या को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सकता है, अगर इस तरीके की आने वाले वक्त में अप्रिय घटना कोई घट जाती है। देखिए ठियोग तहसील की 6 पंचायतें जो है वो विधानसभा हमारे क्षेत्र में, ठियोग में ऑलरेडी जो है अग्निशमन केंद्र है, वहां पे 2 फायर ब्रिगेड जो है वहां एट अ टाइम तैनात रहती है। ठियोग में आग लगी थी करीबन मुझे 10:35 पे रात को 9 बजे आग लगी थी, पर मुझे जो है 10:35 पे उसकी जानकारी मिली, और जैसी जानकारी मिली वैसे ही हमने एसपी महोदय से एसडीएम से उसी टाइम बात करी, और फायर ऑफिसर है यहाँ पे जगदीश जी उनसे रात को बात करी, और शिमला से जो है 6 गाड़ियां जो है उसी टाइम चलाई गई, मैं खुद भी जो है स्पॉट पे करीबन 11:20 पे वहां पहुंच गया था, काम काफी हुआ है, तो करीबन 15 दुकाने जो है जबकि खाक हो गई थी, लोग जो है सड़कों पे आ गए थे, अधिकतर जो है उसमें रेंट पे किराएदार काफी पुराने किराएदार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, और वहां पे हमने अभी सरकार से डिमांड रखी है कि ठियोग में तो है ही है करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे अग्निशमन केंद्र, पर हमने डिमांड रखी है कि फागू में एक फायर स्टेशन जरूर होना चाहिए, कुफरी के आसपास होना चाहिए, कि वो सेंट्रल पॉइंट पड़ता है, चैल वाली साइड को भी वो सेंट्रल पॉइंट पड़ता है, और जहां भी आगजनी ठियोग जो फागू से 3 किलोमीटर दूरी पे है वहां पे पड़ता है, हमने ये भी अभी डिमांड रखी है। ठीक है, वहां पे अग्निशमन केंद्र जी जी। अनुरज जी, आम जनता ने 2 बार आप पर विश्वास जताया है, जिस तरह से आप 2 बार विधायक बने, अब आगे का आपका रोड मैप क्या होगा, कौन कौन से वो प्लस पॉइंट होंगे जो आप जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि अब तो ये कहा जाता है कि भैया नाम नहीं काम बोलता है, अगर आपने काम किया तो जीत आपकी पक्की है। चुनाव 2 महीने का समय 3 महीने का समय चुनाव का रहेगा, और मुझे अपने विकास के दम पे हम बोल सकते, अगली बारी भी जो है 3 महीने बाद जब हम वोट मांगने
जनता के दरबार में जाएंगे तो लोग जो है हमारे को जो है सपोर्ट करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव जी इसी बहुमत से जीत के जी विधानसभा। लेकिन अनुरोध जी, आप अपने कामों से सेटिस्फाई हैं, आपने पूरी डिटेल से बता भी दिया है अपने कि अब तक आपने क्या कुछ काम किए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके 5 साल के कामकाल कार्यकाल जो रहा है या फिर उससे पहले के कार्यकाल की मैं बात करूं, उससे लोग आश्वस्त हैं, सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल आश्वस्त है, मैं समझता हूँ, मैं खुद भी सेटिस्फाइड हूँ अपने कामों से। केवल काम ही नहीं बोलते जो जी मैं बताना चाहूंगा, केवल मात्र एक डेवलपमेंट ही नहीं होती है कि लोग आपको वोट दो, उनके दुख सुख में खड़े होना, उनके रोजमर्रा के जिंदगी में काम आना, कोई हॉस्पिटल के काम होते हैं, कोई कोर्ट कचहरी के काम होते हैं, कोई तहसील के काम होते हैं, इन सबों सबों में जो है आप एक परिवार का सदस्य बनकर अगर भागीदारी रखेंगे तो लोग आपको जी जी बिल्कुल। लेकिन अनुभव सिंह जी के दम पे जो है जी जी सर अनुरोध सिंह जी, लेकिन आपने एक लिस्ट तो तैयार की होगी कि आपके 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, उस कार्यकाल में जो काम अब तक नहीं हुए हैं वो आप करके आप दिखाएंगे, जिससे जनता लगातार सवाल भी उठा रही है, नाराज चल रही है, जो भी आपके कुछ काम ऐसे रहे होंगे आपको लगता है कि हाँ ये काम होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए, अब इनको करना है? ये जो काम नहीं हो पाए अगर आप बोलेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है, मैं समझता हूँ जो हमने पिछले अपने मैनिफेस्टो में भी बोले थे और वो काम हम नहीं कर ऐसा अभी तक मैं नहीं समझता कि काम पेंडिंग है। हमारा कोटी कॉलेज था, कोटी कॉलेज हमने पिछले टर्म में ऑलरेडी खोल दिया था, उसकी बिल्डिंग के फंड भी डाल दिए थे 5 करोड़ रुपए पर जी जी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, एक मिनट में पर प्रेजेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने वो जो है फंड विड्रॉ कर लिए थे, अभी पुनः जो है करीबन 1 महीना पहले पुनः जो है उन्होंने फंड डाल के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने फंड डाल के अभी काम उसका जो है शुरू करवाया है। और मैं समझता हूँ कि जो जो हमने वादे करे थे, देखिए लोगों की जनता की आवाज के अनुसार जो है हम लोग काम करते जी, और मैं अपने कामों से भी सेटिस्फाई हूँ और मैं समझता हूँ कि जनता भी बिल्कुल। कोटी कॉलेज का आपने जिक्र किया है, उसका निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आम जनता परेशान है कि कब तक ये काम कंप्लीट होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए उस पे जो है काम चला हुआ है, ठेकेदार चला कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, उसमें फंड की थोड़ी शॉर्टेज थी, अभी फंड उसमें आ गया कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्टर को दिक्कत आ रही थी कि उसका बाजार का जो मुंह है वो बड़ा तंग है, यहाँ से वहां बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि दुकानें हैं वहां पे बाजार, और उसका काम दोबारा पुनः जो है शुरू हो चुका है, ठीक है जल्दी वो पूरा कराए। ठीक है, लेकिन कोई डेडलाइन तो इसकी रखी होगी कि कब तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं इलेक्शन के लिए भी अब समय बहुत कम है, कब तक ये काम कंप्लीट होगा? ठेकेदार को एज पर लॉ जो है ठेकेदार को भी 1 साल का समय है पूरा। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुरोध सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो कंसुप्टी के जो कांग्रेस विधायक है अनुरोध सिंह, वो उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे आपका विधायक लाइव कार्यक्रम में, और जो उनसे सवाल पूछे गए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सभी सवालों का जवाब भी दिया है। तो फिलहाल